रुको रुको दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ टीम पोनीलैंड से। पोनीलैंड में देखो कितने बच्चे हैं और ये क्यूट से पग पग ब्रीड जो घर में रखने के लिए सबसे शैतान ब्रीड, मैं कहता हूँ इससे शैतान ब्रीड आपको कोई भी नहीं मिलेगी। और ये क्वालिटी देखो भैया, क्या हाल है पहले आपका? भैया बढ़िया। भैया क्या खासियत है इस बार पग की आपकी? पग हर बार खासियत ही होती है भैया हमारे पास। नहीं, कुछ ज़्यादा ही खासियत होती है क्योंकि आपके जो पग होते हैं वो देखने में ही अलग है। ये क्या खासियत है आपकी? बस क्वालिटी मेंटेन करके भैया हमने। किस तरह की क्वालिटी मेंटेन करते हैं? काफ़ी जो इंपोर्ट डॉग हैं उनका जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा अच्छा हमने स्टॉक रखा है। भैया मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक साल पहले भी इनको कवर किया था और भैया की एक सिंगल भी कंप्लेंट आज तक नहीं आई। सभी के पेपर आराम से दे देते हो। बिल्कुल भैया, पैसे लेते भैया, पेपर तो देने ही पड़ेंगे ना, धोखा करके कहाँ जाएंगे। बिल्कुल भैया ने बिल्कुल बोल दिया धोखा देके। भैया आपके अगर मैंने बोलना हो पग की आपके अलग क्यों है, बाकियों से अलग क्यों है? हमने पिछले 18-20 साल से क्वालिटी मेंटेन कर रखी है और हम कोई भी जो डॉग बड़ा च्वाइस करके अपनी फीमेल मेंटेन करवाते हैं, बड़ा अच्छा स्टॉक रखने का शौक है हमारा। जो हमने मेंटेन की है वो बहुत अच्छे अच्छे डॉग हमने यूज किए, हमने बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा देख के यूज किया है बहुत। जो आज भी हमारे पास अच्छा स्टॉक है वो अच्छे अच्छे क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से ही। तो भैया कितने शैतान हैं आपके पग? शैतान तो नहीं है, प्यार करते हैं बेचारे, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्रीड तो है ही थोड़ी सी शैतान। और भैया खाने पीने के लिए क्या देते हो? अमूमन पग के लिए कुछ अच्छा खाना होता है, घर का खाना होता है या क्या होता है? छोटे जो पप्पी होते तो थोड़ा सा बाजार का फूड देना पड़ता है, लेकिन मैं तो ज़्यादा जो घर की जो डाइट है उसमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ज़्यादा घर की विश्वास करते हो? तो क्या देते हो घर के खाने में? हम तो वही अपना सोयाबीन का आटा, चने और गेहूँ मिक्स करके, सोयाबीन की दाल उसे मिक्स करके, उसका जो आटा बन जाता है उसे अंडे वगैरह मिला के उसमें रोटियाँ वो देते। और दोस्तों ये देख लो, मैं आज तक जितने ब्रीडरों के पास गया हूँ ना, कोई भी भाई होम फूड के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता। और पग देख लो, पग ब्रीड है, घर का खाना दे रहे हैं। और इनकी क्वालिटी की मैं खासियत बताता हूँ, ये जो आप कहते हो ना रिंकल वगैरह, भैया ये रिंकल वगैरह अच्छे होते हैं इनके, क्या होता है? ये तो क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी तो देखो बताने की ज़रूरत ही नहीं ना, ये तो दिख ही जाएगी, इसमें कोई तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। भैया ना बड़े हैवी हैवी बच्चे भी होते हैं, मैंने दिखाए हैं इनके बच्चे भी। और ये देख लीजिए शैतान ब्रीड कैसी बैठी हुई है, सारी मज़ेदार ब्रीड है। और ये देखिए एक शैतान इधर बैठा, ये कितने दिन का बच्चा भैया? ये हो गया भैया 3.5 महीने का। 3.5 महीने का? तो भैया आपसे बच्चा लेना हो तो कितने महीने का लेना चाहिए कम से कम? लगभग 35-40 दिन के बाद तो होना ही चाहिए पपी ना। 35-40 दिन का कम से कम, क्योंकि अच्छे से खाने पीने लग गया तो उससे पहले तो हम देते भी नहीं ना किसी को। 40 दिन से पहले नहीं देना, क्योंकि जब तक अच्छे से खाने पीने लग गया तो कस्टमर को परेशानी हो, क्या फ़ायदा? अच्छा, तो भैया पारवो वगैरह से बचने के लिए क्या करते हो आप? पारवो वगैरह से बचने के लिए तो समय पर अपना डिवॉर्मिंग करो पपी की, डाइट अच्छी दो और वैक्सीनेशन वगैरह टाइम पे करो। तो डिवॉर्मिंग मतलब कितने दिन के बाद करनी चाहिए पग? हम लोग कर देते 20 डेज पे फर्स्ट जो डिवॉर्मिंग होती है, फिर 15 दिन बाद 45 डेज पे हम फर्स्ट वो कर देते हैं वैक्सीनेशन। अच्छा। उसके बाद फिर 21 दिन बाद फिर और 2-3 वैक्सीनेशन लगातार कर दो, उसके बाद एक रेबीज लगा दो, बहुत हर साल फिर रिपीट कर रहे हैं। भाई साहब मैं एक बात ना गारंटी से कह रहा हूँ, पग और बीगल भैया रखते हैं और भैया की सिंगल कंप्लेंट मैंने आज तक पेपर के लिए कंप्लेंट नहीं सुनी, कभी क्वालिटी के मामले में कंप्लेंट नहीं सुनी। और भैया की सच में कह रहा हूँ घर की ब्रीडिंग होती है भैया, एक बच्चा भी इधर उधर से उठा के नहीं बेचते। अगर आपके पास बच्चा हो या ना हो आपके ऑर्डर कैंसिल कर देते। हाँ, वेटिंग में जो आपके चैनल पे पहले भी लोगों ने देखा है और अब फिर बार में रिपीट कर रहा हूँ कि हम कोई भी पपी सिंगल पपी बाहर से उठा के नहीं बेचते ना, कोई कमीशन काम कर। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो आप हमारी वीडियो डिलीट कर दो, और आपका कोई कमेंट भी आ जाता है आपकी वीडियो पे तो आपको हमारी डिलीट कर दो। भाई साहब कोई भी ब्रीडर ऐसा नहीं बोलता कि एक कमेंट भी गलत आता है तो वीडियो डिलीट कर दो, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। और पवन भाई की यही खासियत है कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और भैया की भैया 18-20 साल हो गया आपको ये काम करते हो, और भैया की एक खासियत बताता हूँ, भैया साफ मुंह से कहते हैं मैंने कुत्तों से बहुत पैसा कमाया, और शायद मुझे पहला ब्रीडर ऐसा मिला जिसने बोला कि डॉग से मैंने पैसा कमाया। भैया क्या कारण? अगर ईमानदारी से करते हैं तो आप बिल्कुल कमाई है। अब जो दो नंबर ही काम करते हैं उनका तो क्या कह सकते हैं इस बारे में ना, जिन्होंने दो नंबर जो उठा के इधर उधर से बेचते हमारे से तो देखो भैया होता नहीं, और मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, वो सबका अपना अपना काम मेरे से नहीं होता है काम। और पैसा तो ऐसा भैया अपना घर चलाने के लिए ना नॉर्मली अच्छे ठीक है पैसा कमाई, ऐसी बात नहीं। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो उसमें भगवान भी देखता है,
पवन भाई की ईमानदारी साफ मुंह पर बोल रहे हैं कि भैया दो नंबर के काम और एक नंबर के काम में बड़ी, एक नंबर में आप थोड़ा पैसा कमा लोगे लेकिन लॉन्ग टर्म कमा लोगे। दो नंबर का तो कभी ना कभी पता ही लग जाता है ना, सबको पता होता है, कोई पागल नहीं है, सब आजकल अपना मीडिया के माध्यम से सबको पता होता है। और मैं फिर कहता हूँ किसी भी कॉपी अपना सोच समझ के लिए अगले के कैनल पे जाओ। मैं अब लोग मुझे बोलते हैं भैया अपना कॉपी भेज दो, मैं कहता हूँ यार आप आ जाओ, आप 12-15 साल कोई चीज़ अपने घर रखना चाहते हो तो आप एक दिन का समय नहीं निकाल सकते उसके लिए आने के लिए, अपना किसी भी मेरे से लो या किसी ब्रीडर से लो, उसके घर पे जाओ, उसके कैनल पे जाओ, उसके मदर फादर देखो पप्पी को, पप्पी अपने हाथ में लेके देखो खा पी रहा है ठीक है, क्योंकि लाइफ स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती, अपना चेक करके लेके जाओ, क्योंकि आपने 12-15 साल कोई चीज़ घर पर रखनी है तो उसमें किस समझौता की चीज़ का आप इतने पैसे खर्च कर लें। और मेरी एक और है आप सबसे कि पप्पी कहीं से भी लें किसी से भी लें लेकिन खुद जा के ले, अपना मदर फादर चेक करके ले, क्वालिटी चेक करके ले और पप्पी को खिला पिला के चेक करें, क्योंकि लाइफ स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती। आपने 12-15 साल कोई पप्पी घर पर रखना है तो आपके फैमिली मेम्बर की तरह ही हो जाना है उसको, तो उसमें फिर समझौता किस चीज़ का। और भैया का मैं एक बताता हूँ, पग में इंडिया में सबसे अच्छा नाम है, नहीं नहीं ईमानदारी से काम कर रहे हैं भाई, ये तो, बातें कहने वाली नहीं है, क्वालिटी देखिए। वैसे टोटल कितने पग हैं अभी आपके? अभी पग होंगे मेरे पास 16-17 पग बड़े, और साथ में बीगल भी, बीगल अलग है, बीगल लगभग 23-25 के आसपास है, मतलब 40 बीगल और वो है टोटल 25 पग और बीगल मिला के, ठीक है। तो भैया महीने का खर्चा ओवरऑल कितना होता है? खर्चा भी अपने नसीब का खाते, मैं इन ये मुझे खिलाते, मैं इनका नहीं, अगर मैंने एक पग लेना हो तो मेरे घर में कितना मैं मूवमेंट खर्चा मान के चलूँ? कोई ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपये है स्टार्टिंग में, बाद में तो भी कम हो जाता है क्योंकि फिर होम फूड पे आ जाते हैं ना, छोटा है तो उसको थोड़ा सा फूड वगैरह बाहर पर खिलाना पड़ता है, तो थोड़ा सा होता है खर्चा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, आप नॉर्मली रख सकते हैं। और दोस्तों पग वो बंदे लेना पहली बात जो अपार्टमेंट में है वो रख सकते हैं, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते महीने का इतना खर्चा उनको पग अडॉप्ट करना चाहिए, बड़ी अच्छी ब्रीड है और सही में गार्डिंग डॉग इसको कहते हैं, वाचिंग डॉग है ये, मतलब घर में अगर घंटी बजेगी तो पहले पग भागते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये नहीं है कि इसको वाचिंग नहीं अलर्ट कर देते हैं ना, कोई आता है थोड़ा पता लग जाता है यहाँ कोई आया है, ठीक है। और थैंक यू भैया आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू भैया का नंबर नीचे चल रहा है, भैया को कॉन्टैक्ट करो। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ कार्तिक भैया का स्कूबर से हैं जो बड़ा बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखते हैं, मैं इनके इंटरव्यू से काफ़ी चीज़ें सीखता भी हूँ, और अच्छे अच्छे जो ब्रीडर हमारे सीनियर हैं मैं काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। और थैंक यू भैया कार्तिक भैया, आपका चैनल बड़ा प्रोग्रेस करे और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। थैंक यू भैया, इतनी हमारी तारीफ करें हम सुनने नहीं, आप हो भैया तारीफ के काबिल। और ये देख लीजिए छोटू सा बच्चा, देखिए ये कार्तिक है, कार्तिक ही है ना, हाँ जी, और ये कार्तिक है मेरे नाम राशि का, और इसने पकड़ा हुआ है 3.5 महीने का बच्चा, और ये क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है पूरे कैनल में। और भैया ये छोटी है बच्ची है ये हाथ में पकड़ा, ये कितने साल का है? ये 4-4.5 साल के आसपास का, ये हीरो है जब। अच्छा ये 4.5 साल का, हाँ जी, ये मतलब आपके मेन डॉग है? हाँ जी। अच्छा, और ये वाला? ये इसकी सिस्टर है जी। अच्छा, हीरो की सिस्टर है, परफेक्ट। ये हीरो है और ये हीरोइन है और ये देख लीजिए नीचे बैठे हुए हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर कर देना, कुछ ईमानदार ब्रीडर होते हैं जो खुल के बातें करते हैं और ईमानदारी से अपनी बातें रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।